हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने इफ यू विश अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो जाके देख लें। सीरियल की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जो डॉगी को अडॉप्ट करके सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो बनाता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके डॉगी की तबीयत खराब है तो वो उसे रोड पे छोड़ आते। यही हमारा ग्यूराई का डॉगी होता है। फिर एक दिन सोगजिन और ग्यूराई की फाइट हो रही होती, तभी ग्यूराई को एक डॉगी दिखाई देता है। उस डॉगी को देखकर ग्यूराई को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। यहाँ पर ग्यूराई उसकी स्टोरी सोच रहा था। फिर सियो जब उसको बताती है कि उसके डॉगी की तबीयत खराब है तो उसको लेकर अपने साथ गाड़ी में जाता है। ग्यूराई अपने डॉगी से बात करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारी आखिरी विश यही होगी, तुम्हारे मालिकों ने तुम्हारी बीमारी को जानने के बाद तुम्हें रोड पे छोड़ दिया है तो मैं उन्हें सजा दूंगा। फिर ग्यूराई उन कपल को पता लगाकर डॉग कैफे में जाता है जहां पर वो फिर से नए डॉगी खरीदने आए होते। ग्यूराई उनसे कहता है, तुम लोग ये हमेशा करते हो, जब तुम्हें पता चलता है कि डॉगी बीमार है तो तुम उसे रोड पर छोड़ आते हो, तुम लोग डॉगी का यूज करते। ये सुनने के बाद वो दोनों कपल कहने लगते, तुम कैसी बात कर रहे हो। फिर ग्यूराई उनकी गाड़ी जाकर बाहर तोड़ने लगता है। ग्यूराई काफी गुस्से में उनकी गाड़ी तोड़ रहा होता। दोनों कपल आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते और उससे कहते, हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवाएंगे। ग्यूराई उन दोनों की बातें नहीं सुनता, उनकी गाड़ी तोड़ देता है। फिर ग्यूराई उनसे भी फाइट करने लगता है, जहां पर उस कपल के साथ जो लड़की होती वो ग्यूराई की वीडियो बनाने लगती है। रोड पर बाकी पब्लिक भी उसकी वीडियो बनाने लगती, तभी वहां पर सीओ जाती और उसे ऐसा करने से रोकती। वो कहती, ये उसकी विश नहीं है। फिर वो ग्यूराई का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ गाड़ी से ले जाने लगती, जहाँ पर हांजून ये खड़ी होकर सब देख रही होती और वो उसका पीछा करने लगती है। वो लोग ग्यूराई को एक जगह पर लेके जाते जहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती और उसमें वीडियो चल रही होती। वीडियो ऐसी चल रही होती जिसमें वो लोग दिखा रहे होते कि ग्यूराई का डॉगी हर जगह घूम रहा है। ग्यूराई भी वहाँ पर बैठ जाता है अपने डॉगी के साथ। स्क्रीन पर हर जगह की तस्वीरें चल रही होती। यहाँ पर वो ग्यूराई के डॉगी को फील कराना चाहते कि वो हर जगह है। वो उसके आखिरी टाइम पे उसको आजाद फील कराना चाहते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा कैद में रही। पहले वो कैफे में कैद रहा, फिर वो किसी के घर में गया तो वहाँ पर कैद में रखा गया। ग्यूराई डॉगी के साथ जब वीडियो देख रहा होता तो उसे फील होता है कि उसकी भी जिंदगी उसके डॉगी की तरह रही है। वो भी ऑर्फनेज में डाल दिया जाता और उसकी जिंदगी भी बंधनों में बंधी रही। यहाँ पर ग्यूराई उसे देख कर रो रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है, जब से उसकी डॉगी लाइफ में आया उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। भी वो देखता है उसके डॉगी ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। ये देखकर वो रोने लगता है। ग्यूराई काफी चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता, बाकी लोग भी ये देख रहे होते और वहाँ पर हांजून भी खड़ी होकर ये सब देख रही होती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ग्यूराई को जेल हो जाती, तभी वहाँ पर ताइसिंग और सियो दोनों लोग उसको छुटाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेल से निकलने के बाद ग्यूराई अपने डॉगी की अस्थियों में बातें कर रहा होता है कि तुम काफी लकी हो, तुम्हारा आखिरी टाइम इतने अच्छे लोगों के साथ गुजरा है जो तुम्हें सच में प्यार करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं टीम जीनी एक अंकल के विश पूरी करने जा रही होती, जहां पर अंकल बताते कि उन्होंने पूरी लाइफ एक जू में काम किया। वहां पर इतने सालों तक काम करने के बाद उन्हें एक दोस्त मिला, जहां पर सभी लोग उनके दोस्त का इंतजार कर रहे थे। तभी वो लोग देखते वहां पर एक जिराफ आता है। जिराफ को गाड़ी के अंदर आता देख कर सभी लोग काफी हैरान होते। अंकल बताते ये उन्हीं का दोस्त है। गाड़ी में सर डालकर जिराफ अंकल को प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता अंकल के फ्यूनरल का, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते। ग्यूराई कम खाना खा रहा होता तो ताइसिंग उससे कहते है, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए क्योंकि सियो को ज्यादा ही मोटे ताजे लड़के पसंद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ताइसिंग सियो के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं 403 रूम कौन यूज कर रहा है। तो सियो उनकी बातों को टालते हुए कहती, वहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ पर पता हमें चलता है कि ताइसिंग को भी नहीं पता उस रूम में कौन रह रहा है। फिर अगले सीन में ग्यूराई के पास ताइसिंग जाते और उससे कहते, तुम्हें सियो को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए कि उस रूम में कौन रह रहा है। तो ग्यूराई भी कहते हैं कि वो परेशान नहीं करेगा। फिर हमें हांजून का दिखाया जाता है जो उस घटना को याद कर रही थी। तभी एक लड़का आके उससे फ्लर्ट करने लगता है तो हांजून उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए कहती, क्या मैं तुम्हें अभी भी खूबसूरत लग रही हूँ। ये देखने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। हांजून काफी परेशान होती, उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती। तभी वो बाहर निकलती, वहाँ पर सोगजुन होता
और वो उसे वायरल वीडियो दिखाता है ग्योराई की, जिसमें वो मारपीट कर रहा होता है। फिर सोगजुन हानजुन से कहता है, मुझे लगता है कि ग्योराई को कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। सोगजुन के जाने के बाद हानजा पुराना फ्लैशबैक याद करने लगती, जहां पर उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की होती, तो ग्योराई उससे कहता है, तुम हर बार बच जाती, इसका मतलब तुम मरना नहीं चाहती हो, तुम ऐसा क्यों करती, तुम सभी को परेशानी में डाल रही। तो हानजुन उससे कहती, हम दोनों को एक साथ मर जाना चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं जी सकते हैं। फिर हमें एक ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है, जहां पर एक आंटी होती है, उसी पेशेंट की वाइफ होती जो सुसाइड करने की कोशिश करता है। आंटी को डेट पर ताइसिक और ग्योराई ने भेजा होता है। फिर यहां पर ताइसिक फोन करके बताता है कि उन दोनों की डेट काफी अच्छी जा रही है और आंटी काफी खुश भी है, लगता है दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते ताइसिक अपनी बीवी के ग्रेव पर जाता है। ताइसिक अपनी बीवी के ग्रेव पर जाकर माफी मांगते और उससे कहते, मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। फिर हम देखते ताशिक एक फ्लैशबैक याद करते हैं, जहां पर वो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आए होते, तो उनकी वाइफ उनसे लड़ाई करती है और उनसे कहती, तुम इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हो, इसका मतलब तुम जिस आदमी के साथ काम कर रहे हो वो एक अच्छा इंसान नहीं, तुम्हें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। तो ताशिक अपनी वाइफ से कहने लगता है कि वो ये सब जो कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, ताकि वो उन्हें अच्छी जिंदगी दे दे। ताशिक की वाइफ उसके काम से खुश नहीं होती और उससे कहती है कि तुम्हें उस आदमी का साथ छोड़ देना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती, तभी हम देखते दरवाजे एक छोटा बच्चा झांक रहा था। तो ताइसिक उस बच्चे को अपने पास आने के लिए बोलते, हमें अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि ये बच्चा कौन है और कहाँ गया है। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी आंटी काम कर रही होती और उनके हस्बैंड देख रहे होते, तो वो उनसे कहने लगती, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो अंकल आंटी को देखकर मुस्कुराने लगते, सी ये सब देख रही होती। फिर वो अंकल के पास जाकर कहती कि आपको बुरा नहीं लगता आपसे वो ऐसा बिहेव करती है, वो आपको भी भूल गई है। फिर वो अंकल कहते, मुझे बुरा नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं यंग हूँ और उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो जिस तरह मुझे देख कर मुस्कुराती तो मुझे लगता है वो मुझे पसंद करने लगी। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक कपल का, जो दोनों शादी कर रहे थे, तभी अंकल को ये सपना आ रहा था और वो घबरा जाते हैं कि उनकी वाइफ शादी करने वाली है। वो काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया होते हैं उनकी वाइफ दूसरी शादी कर ले, लेकिन उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। फिर हम देखते अगले सीन में हम देखते ताइसिक अंकल के पास आकर उनकी वाइफ की ब्लाइंड डेट दिखाने लगते और कहते, दोनों लोग काफी अच्छे लग रहे। ये सुनने के बाद अंकल को गुस्सा आ जाता है। अंकल चिल्लाते हुए कहते, तुम ऐसा कैसे बोल सकते। तो ताइसिक उसके ऊपर गुस्साने लगते और कहते, जब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर तुमने उस बच्चे का क्यों दिल दिखाया, उससे बार बार क्यों कहा कि मुझे मार दो। अगले सीन में हम देखते ताइसिक वैन में होते, यहाँ पर उनकी तबीयत काफी खराब हो रही थी और वो अपने पिल्स खा रहे होते, तभी उनके पास ग्योराई का फोन आता और वो कहता है कि मैं खाना बना रहा हूं, तो ओनियन लेके आना। ग्योराई की बातें सुनने के बाद ताइसिक उसके लिए ओनियन लेकर जैसे ही एंट्री अंदर करते हैं, सभी लोग उनको बर्थडे विश करते, क्योंकि आज ताइसिक का बर्थडे होता और सभी ने सरप्राइज प्लान किया होता है। सभी लोग उसके लिए जिनी केक बनाते, ये देखकर ताइसिक को अच्छा लगता और वो सभी को बताते है कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। ये सारी बातें खत्म होने के बाद ताइसिक बाहर बैठ के रो रहा होता है, तभी वहाँ पर कुकिंग वाली आंटी सुंजा आ जाती है। तो ताइसिक उनसे बताने लग तो ताइसिक उनसे बातें करता है, जहां पर वो कहता है, जब हम जवान होते हैं तो ऐसे काम करते जिस टाइम हमें उस चीज का पछतावा नहीं होता, लेकिन आखिरी में हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या गलत किया है। ताइसिक काफी इमोशनल होते हैं और सुंजा आंटी उन्हें काफी समझाती है और फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्योराई सीओ को डेट के लिए प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। फिर हम देखते हैं सीओ ग्योराई को डेट पर लेकर जाती, जहाँ पर वो उसे सीपीआर देना सिखा रही होती। फिर वो उसको कैफे पे लेकर जाती, जहाँ पर डॉग कैफे में सफाई कराती। ये देखकर ग्योराई को काफी बुरा लगता है। वो सीओ से कहता है, तुम मुझे डेट पर लेकर आई, ऐसी कैसी डेट होती है। फिर हम देखते दोनों लोग फाइनल डेट पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते दोनों लोग साइकिलिंग करते हैं। दोनों लोग एक साथ काफी खुश हो रहे थे और साइकिलिंग करते। फिर हम देखते सीओ यहाँ पर ग्योराई से कहती, तुम मुझे पहले से पसंद करते थे, इसीलिए तुमने उस दिन मुझे किस किया। तो ग्योराई कहता है, वो तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया था, इस वजह अचानक से हो गई थी। दोनों लोग बातें करते फिर ग्योराई सीओ के करीब जाकर उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वो जल्दी से हट जाता है। तो सीओ उससे पूछने लगती, क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है। तो वो कहता है, नहीं। तो
तो सीयू कहती है ऐसे किस नहीं होता है। फिर वो ग्यूराई के करीब जाती है, यहाँ पर वो उसे किस करने लगती है और हमें दोनों की फर्स्ट किस दिखाई जाती है। फिर दोनों लोग डेट से वापस जब हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर सुनजा आंटी उससे कहती है तुमसे मिलने तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई। ये सुनने के बाद सीयू काफी शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पर हानजून आ जाती है, ये देख कर ग्यूराई भी काफी शॉक्ड होता है और सीयू भी उसको देख कर शॉक्ड होती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। हानजून को देख कर ग्यूराई को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है, जहाँ पर वो उससे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम बार बार मरने की बातें क्यों करती हो। तो हानजून उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी फैमिली, तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, हम दोनों को एक साथ मर जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं जी सकते हैं। ग्यूराई उससे कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो हानजून उसके पीछे जाती है और उससे कहती है अगर तुम मेरे बिना किसी और के साथ खुश रहोगे तो तुम समझ लेना मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की जान ले लूंगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।